बिग बॉस सीजन 15 का आगाज हो चुका है और इस बार शो की मेजबानी की कमान सलमान खान नहीं बल्कि करण जौहर संभाल रहे हैं। और ये सीजन पहले OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। अगर बात करें इसके कंटेस्टेंट की तो शो में इस बार अक्षरा सेन, जिशान खान, नेहा भसीन, दिव्या अग्रवाल जैसे और भी कई प्रतियोगियों की एंट्री हो चुकी है। लेकिन शो में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, और वो कंटेस्टेंट है एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन एक्ट्रेस शमिता शेट्टी, जो इससे पहले भी बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी है। अब चूंकि अश्लील फिल्म बनाने के मामले में काफी समय से शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा सुर्खियों में है, तो ऐसे में शमिता शेट्टी को बिग बॉस शो में लाना काफी लोगों के गले नहीं उतर रहा। काफी लोग इसके लिए शो और शमिता को ट्रोल करने में लगे हैं। बता दें कि पहले भी इस शो में कई पुराने चेहरे नजर आते रहे हैं, चाहे वो विकास गुप्ता हो या फिर राखी सावंत। लेकिन जितने भी पुराने प्रतियोगी इस शो में आए हैं वो शो के बीच में चैलेंजर या फिर कुछ दिनों के मेहमान बनकर ही आए। लेकिन अब बिग बॉस के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब पूर्व प्रतियोगी शमिता शेट्टी को शो के शुरुआत में ही बतौर कंटेस्टेंट एंट्री दे दी गई है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर शमिता शेट्टी पर बिग बॉस के मेकर्स इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सेम कंटेस्टेंट को शो में बार बार क्यों लाते हो। वहीं कईयों का कहना है कि शमिता शेट्टी को इस शो में महज TRP बढ़ाने के लिए लाया गया है, क्योंकि अश्लील फिल्मों के मामले में आजकल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी सुर्खियों में है। वहीं आपको बता दें कि शमिता शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर कर शो में अपनी एंट्री की खबर को शेयर किया था और अपने फैंस और फॉलोअर्स से इस नई यात्रा में उनका सपोर्ट मांगा। इस पर कुछ लोगों ने जहां उन्हें सपोर्ट किया तो बहुतों ने उन्हें ट्रोल भी किया। शमिता शेट्टी ने लिखा, बिग बॉस OTT पर नया सफर शुरू करके उत्साहित हूँ। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे साथ खड़े रहे हैं। आपके प्यार और साथ की इस यात्रा में जरूरत होगी, आइए कर दिखाते हैं। अब इस पर लोगों के रिएक्शंस कुछ ऐसे थे, जीजा जी के पास जाओ जल्दी, आजकल तुम्हारी सिस्टर किस दुनिया में चली गई, बिग बॉस में आओ और अपनी बहन जीजा को सिंपैथी दिलाओ ताकि वो जेल से बच सके, तुम तो पहले भी गए थे ना, आई एम ग्लैड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी अगेन एट बिग बॉस, यू डिजर्व टू बी देयर एंड विल डेफिनेटली विन दिस टाइम, लास्ट टाइम यू हैड टू लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज बट दिस टाइम नो वन कैन स्टॉप यू टू विन दिस शो, मस्ट बी एम्बैरेसिंग टू बी शिल्पा शेट्टीज सिस्टर, शर्म कर लो कुछ, कोर्ट में केस, जीजा जेल में और शरारा शरारा, flop actress and flop human being, who even wanna watch her in Big Boss, seriously, it's annoying to see this women, we will rather not watch the show. बता दें कि साल 2009 में Big Boss के तीसरे सीजन में शमिता शेट्टी शो का हिस्सा बनी थी। खैर, Big Boss 15 में शमिता एक बार फिर से लौटी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी इस दोबारा एंट्री से शो के मेकर्स को कुछ फायदा होता है या नहीं। शो में शमिता शेट्टी की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फॉर लेटेस्ट TV न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेली नेटवर्क।